नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमारी क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं उच्च माध्यमिक प्री बोर्ड परीक्षा वर्ष 2023 का मॉडल पेपर। और ये जो मॉडल पेपर है ये कृषि विज्ञान जो कृषि जीव विज्ञान विषय है उसके बारे में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से, जिसमें जो अपना पहला प्रश्न है वो है सरसों का प्राथमिक उद्गम केंद्र है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इसमें अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी चीन, यानी सरसों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, चीन से हुई है। दूसरा प्रश्न है वांछित डीएनए खंडों को काटने का कार्य करता है, वांछित डीएनए खंडों को काटने का कार्य करता है लाइपेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, प्रतिबंधी एंजाइम और सभी। तो इसमें जो अपना राइट आंसर है वो है प्रतिबंधी एंजाइम, यानी जो डीएनए खंड होते हैं उनको काटने का कार्य कौन करता है, प्रतिबंधी एंजाइम करते हैं। आगे हम बात करें तीसरे प्रश्न पर, तो तीसरा प्रश्न है प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है, ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी बीटी कपास, ऑप्शन सी फ्लेवर सेवर टमाटर, ऑप्शन डी तंबाकू। तो इसमें जो अपना राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी तंबाकू, यानी सबसे पहले किस ट्रांसजेनिक फसल को विकसित किया गया, तंबाकू को विकसित किया गया। आगे हम बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न है कातरा कीट का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन ए मस्का डोमेस्टिका, ऑप्शन बी एमसेक्टा मुरी, ऑप्शन सी सिस्टोसर्का ग्रीगोरिया, ऑप्शन डी होलोट्रेकिया कॉन्सोगुनिया। तो इसमें जो अपना राइट आंसर है वो है एमसेक्टा मुरी, यानी कतरा कीट का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एमसेक्टा मुरी। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, और जो अपना अगला प्रश्न है वो है वह कीट जिसे अंतर्राष्ट्रीय शत्रु माना गया है, वह कीट जिसे अंतर्राष्ट्रीय शत्रु माना गया है सफ़ेद लठ, दीमक, टिड्डा, फल मक्खी। तो इसमें जो अपना राइट आंसर है वो है टिड्डा, टिड्डा को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का कीट माना गया है। आगे हम बात करें निम्न में से रोडेंटीसाइड रसायन है, ये बहुत टिफिकल्ट प्रश्न है, निम्न में से रोडेंटीसाइड रसायन है, ऑप्शन ए जिंक फास्फाइड, ऑप्शन बी क्लोरोवेंजिलेट, ऑप्शन सी एवामेक्टिन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें जो अपना सही उत्तर है वो है जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड को रोडेंटीसाइड कहा जाता है। रोडेंटीसाइड ऐसे रसायन होते हैं जो चूहा जैसे कीटों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है टिक्का रोग निम्न में से किस फसल में होता है, टिक्का रोग निम्न में से किस फसल में होता है, ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी मूंगफली। तो इसमें जो अपना राइट आंसर है वो है मूंगफली, टिक्का रोग किस फसल में होता है, मूंगफली में होता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है सूत्रकृमि जनित रोग है, ऑप्शन ए मौल्या, ऑप्शन बी अर्गट, ऑप्शन सी मिलानी, ऑप्शन डी कैंकर। तो इसमें जो मौल्या या सूत्रकृमि रोग जो जनित है वो है मौल्या रोग, ऑप्शन ए। आगे हम बात करें राजस्थान में किस रंग के केंचुए पाए जाते हैं, ये काफ़ी टिपिकल प्रश्न है और सिंपल भी है, राजस्थान में किस रंग के केंचुए पाए जाते हैं, लाल, काले, गुलाबी, पीले। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ए लाल, नहीं राजस्थान में केंचुए जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं लाल रंग के। आगे हम बात करें दूसरे प्रश्न की, और जो दूसरा प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति की, यानी इसमें खाली स्थानों की क्या करनी है, अपन को पूर्ति करनी है। जैसे पहला है खाली जगह नामक जैव रसायन नर कीटों को आकर्षित करता है, तो इसमें आएगा फीरोमोन, जो फीरोमोन नामक जैव रसायन है वो नर कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इसमें तो क्या गया, फीरोमोन सा गया। दूसरा मछलियां कॉर्डेटा संघ के खाली जगह उपसंघ के प्राणी हैं, तो ये इसमें आएगा वर्टिब्रेटा, यानी मछलियां कॉर्डेटा संघ के वर्टिब्रेटा उपसंघ के प्राणी हैं। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, नर एस्केरिस मादा की तुलना में खाली जगह होता है, तो अगर हम नर एस्केरिस की बात करें तो ये मादा की तुलना में छोटा होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, नर एस्केरिस मादा की तुलना में छोटा होता है। आगे हम बात करें गेहूं में काली रोली रोग खाली जगह होता है, तो पक्सिमिया ग्रेमेनिस टिट्रिसाई या पक्सिमिया कवक ले सकते हैं, या हम लिख सकते हैं पक्सिमिया ग्रेमेनिस टिट्रिसाई के कारण होता है। अगला तीसरा प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति या एक शब्द में दीजिए। जैसे हम बात करें पहला प्रश्न, इसमें ग्राम्यन को परिभाषित कीजिए, ग्राम्यन बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, जंगली प्रजातियों को गांवों में उगाना क्या कहलाता है, ग्राम्यन
कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, पादप पुरस्थापन की दो हानियाँ लिखिए। तो पहली हानि है कि पादप पुरस्थापन के द्वारा नए रोगों का प्रकोप होता है। दूसरी हानि है, पादप पुरस्थापन के द्वारा नए कीटों का प्रकोप होता है। दो हानि हो गई। आगे हम बात करें, दीमक को सामाजिक कीट क्यों कहा जाता है? दीमक को सामाजिक कीट क्यों कहा जाता है? क्योंकि दीमक समूह बनाकर रहते हैं। दीमक के जो सारे कीट हैं वो एक बिल में एक समूह बनाकर रहते हैं, इसलिए इनको सामाजिक कीट कहा जाता है। अगला है, सफ़ेद लट कौन सी फसलों में हानि पहुंचाती है? बिल्कुल सिंपल आंसर है, जो खरीफ की फसलें होती हैं उनमें सफ़ेद लट हानि पहुंचाती है, और सबसे प्रमुख जो फसल है इसकी वो है बाजरा। सबसे ज़्यादा नुकसान बाजरा में पहुंचाती है। आगे हम बात करें, कीट नियंत्रण की जैविक विधियाँ कौन कौन सी है? तो जैविक विधि में सबसे मोस्ट अगर हम बात करें तो नीम कीटनाशी का उपयोग, दूसरी हम बात करें जैविक कीटनाशियों का उपयोग। आगे हम बात करें, अगला, सामान्य सूत्रकृमि का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें आपको सामान्य जो सूत्रकृमि है उसका चित्र बनाना है। आगे हम बात करें, राजस्थान में पाई जाने वाली मछलियाँ कौन सी हैं? तो राजस्थान में मीठे जल में जो मछलियाँ पाई जाती हैं वही सारी पाई जाती हैं, यानी राजस्थान में मीठे जल वाली मछलियाँ पाई जाती हैं, जैसे रोहू है, कतला है आदि। आगे हम बात करें, बेर में किस कीट का प्रकोप होता है? बेर में किस कीट का प्रकोप अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर है फल मक्खी। बेर में फल मक्खी कीट का प्रकोप सबसे अधिक होता है। आगे के ये सारे जो प्रश्न हैं वो हल्के से बड़े बड़े हैं, तो ये मैं हल नहीं कराऊंगा। ये आप जल्दी से एक बार देख लीजिए, जो मैं स्क्रीन पर आपको ये सारे प्रश्न दिखा रहा हूँ, जो 4 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक के जो प्रश्न हैं वो 1.5-1.5 नंबर के प्रश्न हैं, और बाकी जो यहाँ आप देख रहे होंगे जो 16 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक, ये जो 3 प्रश्न हैं ये 3-3 नंबर के हैं, और उसके बाद जो 19 और 20 नंबर के जो प्रश्न हैं वो 4-4 नंबर के, ये बड़े बड़े प्रश्न हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर हल नहीं कराए हैं। अगर आप इनकी PDF लेना चाह रहे हैं तो कमेंट में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।